हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ HCS 2024 के एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हरियाणा जीके का सिलेबस। मैं आपको बता देती हूँ आपको हरियाणा जीके में कौन से टॉपिक्स जो है अच्छे से तैयार कर लेने हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, या फिर आपका हरियाणा जीके का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा, जिसमें से हर बार ही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी, एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और हमारे चैनल से आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं, आपको कितना कंटेंट यहां से अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको हरियाणा की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होता है। अगर मान लो आपने हरियाणा की 22 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं अच्छे से पढ़ ली हैं, तो आपका एक मेजर पोर्शन हरियाणा जीके का कवर हो जाएगा। अब मान लो उनमें से कुछ क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, आपको जितनी भी हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है उन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सेकेंड हम बात करते हैं, हम इसको डिवाइड करके चलेंगे, पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की हिस्ट्री, हिस्ट्री से हमेशा ही एचसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हैं। सेकेंड हो जाता है आपका हिस्ट्री का सेक्शन। हिस्ट्री में जितने भी जैसे जो भी मतलब जैसे सिक्के हैं, अभिलेख हैं, कहां से क्या मिला है, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसमें हरियाणा की बात कही गई, हरियाणा का नाम किसमें क्या है, ऋग्वेद में क्या कहा गया, हरियाणा को महाभारत काल में क्या कहा गया, बहुधान्य का मतलब क्या है, हरियाणा के नाम का मतलब क्या है, तो ब्रह्मार्यव्रत क्या है, आर्यव्रत क्या है, ये सारे आपको अच्छे से डिटेल से अच्छे से आने चाहिए। इसके अलावा जैसे हड़प्पा संस्कृति क्या है, इसके अलावा राखी गढ़ी है, यहाँ पर मीथाथल है, तो ये सारे जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सभ्यता से रिलेटेड है, ये सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, फिर अकबर के समय में जैसे सरगने हुए थे, इनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे लड़ाइयां हुई आपके यहाँ पर, मोहम्मद गोरी का अटैक हुआ, पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होती है, करनाल का युद्ध होता है, तैमूर लंग हरियाणा में आता है, तो ये सारा का सारा जो है हिस्ट्री का सेक्शन, 1857 की क्रांति, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे के सारे आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो हिस्ट्री आपको इस तरीके से प्रिपेयर करनी है, सारा का सारा आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। ज्योग्राफिकल सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो हरियाणा की मिट्टियां क्या, हरियाणा में खेती कैसे होती है, हरियाणा में कितने पर्वत हैं, पहाड़ हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे आपको ज्योग्राफिकल सेक्शन में पढ़ लेने हैं। कितने पर्वत हैं, कितने पहाड़ हैं, कितनी पहाड़ियां हैं, शिवालिक रेंज कितनी है, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली रेंज कौन सी है, ये सारा पढ़ना है आपको ज्योग्राफिकल सेक्शन में। हरियाणा की सीमा बाहर कितने राज्यों से लगती है, मतलब हरियाणा के कौन से ऐसे जिले हैं जो बाहर किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, तो इस तरीके से आपको सारा ज्योग्राफिकल सेक्शन जो है वो कंप्लीट करना है। तीन बातें हो गई। इसके बाद पॉलिटिक्स, हरियाणा की पॉलिटिक्स में से हर बार क्वेश्चन आता है, तो हरियाणा की पॉलिटिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, इसमें बस आपको जैसे विधानसभा क्या है, कौन सा मुख्यमंत्री कब बना था, कौन सा कितनी बार बना, कौन सा आईएएस था, कौन ऐसे थे जो चीफ जस्टिस भी रहे, जो राज्यपाल भी रहे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। साथ साथ हरियाणा के हाईकोर्ट के बारे में, हाईकोर्ट के जजेस कौन कौन रहे, एट प्रेजेंट जज कौन है, इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, हिस्ट्री की बात हो गई हमारे यहाँ पर, ज्योग्राफी की बात हो जाती है, पॉलिटी की बात हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हरियाणा की वेलफेयर स्कीम्स, आपने देखा होगा पिछली बार वेलफेयर स्कीम्स में से भर भर कर क्वेश्चंस दिए गए थे, तो आपको मैं ये नहीं कहती कि इस बार भी आपके वेलफेयर स्कीम्स में से ही क्वेश्चन आएंगे, बट अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हैं तो उसमें क्वेश्चन आए थे। बट एचसीएस का पैटर्न थोड़ा ऐसा रहता है कि हर बार ऐसा करता है कि थोड़ा चेंज कर देता है, तो आप ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट आपको पढ़ना जरूर है उसे, और अच्छे से पढ़ना है। तो वेलफेयर स्कीम्स बहुत अच्छे से पढ़नी है, इसमें आपको सारी की सारी जो पहले पुरानी वेलफेयर स्कीम्स रही थी वो पढ़नी है, और इसके साथ साथ जैसे अब मान लो सरकार जो है नई योजनाएं लाती है, नए पोर्टल्स लॉन्च करती है, उपहार पोर्टल है, जैसे सरल पोर्टल है, ठीक है, नगर दर्शन पोर्टल है, ये सारे के सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। ये आपके करंट के भी टॉपिक होते हैं और आपके वैसे भी आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारे आपको अच्छे से आने चाहिए, आपको बहुत बेहतर तरीके से इनको करना है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ हरियाणा की फेमस पर्सनालिटीज की, तो फेमस पर्सनालिटी का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, तो फेमस पर्सनालिटीज में हरियाणा की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रही हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है। जैसे चौधरी छोटू राम जी हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, मुरलीधर जी हैं, ठीक है,
ये और श्री राम शर्मा है, पंडित श्री राम शर्मा जी हैं, नेकी राम शर्मा जी हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा आना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन है कुछ, उनसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा का आर्ट क्या है, कल्चर क्या है, डांस फॉर्म्स क्या है, हरियाणा में मूवीज कैसे हैं, ठीक है, ये सारा आना चाहिए। तो यहां से अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका, मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ, आप अपने क्वेश्चंस जो है वो आसानी से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। तो बेहतर तरीके से आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप ये सारा का सारा पोर्शन कर लेते हैं। तो अब मैं बात कर लेती हूं आप ये सिलेबस कहां से कवर कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट मैराथन करा रखी है, 22 डिस्ट्रिक्ट की कंप्लीट मैराथन है। अगर किसी का मन करता है ना देखने का तो वो देख सकता है, वहां से आपका एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। उसके अलावा मैंने सारी हिस्ट्री, सारी ज्योग्राफी, सारी पॉलिटिक्स, सारा आर्ट कल्चर, सारी वेलफेयर स्कीम्स करवा रखी है। अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा से इनको प्रिपेयर करा दूं तो मैं दोबारा से भी स्टार्ट करा दूंगी। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, भी आप इनको रीड कर सकते हैं अपने एग्जाम टाइम पर। तो ये आपकी वहां से हेल्प करने वाले हैं। अब हरियाणा के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हरियाणा जीके बहुत अच्छे से आती है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हरियाणा से अदर स्टेट के हैं जो HS का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। इसके साथ साथ हरियाणा के भी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो हरियाणा के एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते, जो सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए भी यूजफुल होगा। अब मानो आप बुक से प्रिपेयर करेंगे, बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है, तो ये सारा मैंने एनालाइज करके ही पढ़ा रखा है। तो किसी का मन करता है तो वो देख सकता है। अब एस्टेट का एग्जाम हुआ था, एस्टेट के एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो मेरे पढ़ाए, जो मैंने पढ़ाया था उसमें से आए हुए थे। अब मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरे पढ़ाई में से आए थे, मतलब अगर आप हरियाणा जीके में इतना भी कर लेते हैं जितना कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है, आपको कहीं भी भटकने की नीड नहीं पड़ेगी। और करंट अफेयर की भी मैं बता देती हूँ आपको, करंट अफेयर जो है HS के एग्जाम में, हरियाणा करंट अफेयर में से आपको एक या दो ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी आपके जो हरियाणा जीके रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले टाइम से लेकर अब तक आपके हरियाणा जीके का जो पोर्शन है वो HPSC ने बहुत कम कर दिया है। पहले जब एग्जाम था उसमें 10-12 क्वेश्चंस थे, आज जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको 5-7 क्वेश्चन ही देखने को मिलती है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा अपने माइंड को सिर्फ हरियाणा करंट अफेयर पर फोकस्ड करने की नीड नहीं है, आपको नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है बजाय की हरियाणा करंट अफेयर के। हरियाणा करंट अफेयर में आप बजट पढ़ लेना, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेना, ठीक है, वहां से आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो हरियाणा जीके है और हरियाणा करंट अफेयर है वो तैयार हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कहती कि आपको इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 5-7 नंबर कम थोड़े ना होते हैं, 7 नंबर कितने ज्यादा होते हैं, 7-8 नंबर पिछली बार एग्जाम में हरियाणा जीके आई थी, तो 7-8 नंबर बहुत ज्यादा है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है ना। हरियाणा के बच्चों को इसमें यही बेनिफिट होता है हरियाणा जीके का। तो यहां पर हमारे चैनल पर पूरी कंप्लीट हरियाणा जीके अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आपका मन करे देखने का तो आप उसे देख सकते हैं, अदरवाइज आपका मन करता है कहीं और से पढ़ने का इन टॉपिक्स को तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। बट यहां पर इतनी गारंटी देती हूं कि अगर आप इतना पढ़ लेंगे ना तो आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, एक बात और मुझे पूछनी है आपसे, मैं मेरे चैनल पर फेमस पर्सनालिटीज की एक शॉर्ट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज होंगी उनकी पर्सनालिटीज के बारे में या उन्होंने क्या किया था उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे ये सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, आपके लिए यूजफुल रहेगी या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसे देखेंगे आपके लिए यूजफुल रहेगी तब मैं उसे स्टार्ट कर दूंगी, अदरवाइज मैं स्टार्ट नहीं करने वाली, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक चैनल के साथ बने रहें, थैंक यू, धन्यवाद।